नमो भगवती वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर किस प्रकार से लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है, लड्डू गोपाल के जन्म के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी खास बात है जिसे करने से कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हमें किन सामग्रियों की ज़रूरत है ये भी जान लेते हैं। तो यह मैंने एक सिक्का लिया है, आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो भी एक रुपये का सिक्का हो, पाँच रुपये का सिक्का हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो खीरे चाहिए होते हैं और कुछ पुष्प की ज़रूरत होती है। कान्हा जी तो हैं ही हैं, यदि कान्हा जी नहीं है तो क्या जन्म नहीं कराया जाएगा, ऐसा भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है और वह प्रश्न है कि अगर घर में लड्डू गोपाल ना हो तो किस प्रकार से आप कान्हा जी का लड्डू गोपाल का जन्म करा सकते हैं, यह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे YouTube फैमिली के जितने भी भाई बहन हैं, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे, कान्हा जी करे, आप सभी के घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुख शांति समृद्धि का वास हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी का जन्म किस प्रकार से कराया जाता है और जो यह जन्म की प्रक्रिया है यह किस समय किया जाता है, यह भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जन्म जो कान्हा जी का कराया जाता है ये अवश्य करना चाहिए, और यदि किसी भी कारणवश आप ना कर पाएं या फिर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हो और आपके यहाँ किसी भी कारणवश चाहे सूतक हो, पातक हो या फिर महावारी का समय हो यानी कि पीरियड्स का समय हो, तो ऐसे में लड्डू गोपाल का जो जन्म होता है किस प्रकार से कराया जाएगा वह भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात मालूम होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल का जन्म अवश्य ही कराना चाहिए और प्रत्येक घर में लड्डू गोपाल का जन्म कराना चाहिए। सुबह के समय लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराया जाता है, प्रातः काल जो है लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य की जाती है और उसके बाद प्रातः काल की पूजा के बाद यानी कि दोपहर की जो समय होते हैं, दोपहर का जो समय होता है करीबन 11 बजे के आसपास का मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है जितने भी देव होते हैं वह सभी सोने चले जाते हैं, निद्रा की अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए दोपहर में जो है किसी भी भगवान की प्रतिमा या फिर फोटो को छूना सही नहीं माना जाता है। तो उस समय हमें यह जन्म नहीं कराना है, 11 बजे से पहले प्रातः काल की पूजा कर ली और उसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल की इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण कर लेनी है। किस प्रकार से आपको पूर्ण करनी है यह हम देख लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी तरह के बास्केट का या फिर अन्य किसी भी प्रकार के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें उसमें एक तुलसी दल रखना होता है और उसके बाद इस तरह से चारों ही तरफ हम पुष्प को रख लेते हैं, बीच में कान्हा जी को स्थापित करना होता है। और एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कान्हा जी को वैसे ही रख देते हैं, तो वैसे नहीं रखनी चाहिए। कान्हा जी के पास तुलसी का जो दल होता है या तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं उन्हें अवश्य रखना चाहिए। कान्हा जी को जितनी अच्छे प्रकार से तुलसी दल से, तुलसी जी की पत्तियां, मंजरियों से आप आच्छादित ढक कर रखते हैं उतना ही शुभ माना जाता है, उतना ही शुभ फल देता है यह। और इस प्रकार से ये देखिए पुष्पों से जो है हल्के से बिल्कुल ढक देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पर एक पात्र में आप जल रखें, जल में भी एक तुलसी का दल अवश्य रखें। इस तुलसी के दल का आपको क्या करना है और इस पात्र का ये भी आपको बाद में बताऊंगी। दोनों ही तरफ हम इस तरह से खीरा को रख लेंगे और खीरे के बाद जो है उसके ऊपर लाल रंग की चुनरी या फिर जो है पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र को, हम नवीन वस्त्र को इस प्रकार से उड़ा देंगे। यदि आपके पास नवीन ना हो तो जो पुराने आपके पास पड़े हैं उनको अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें और उनका प्रयोग करें। यह प्रक्रिया दोपहर के 11 बजे यानी कि 12 बजे से पहले आपको कर रख देनी है। कब तक के लिए? रात्रि 12 बजे तक के लिए, क्योंकि कान्हा जी का जन्म रात्रि 12 बजे किया जाता है, इसलिए अब यह रात्रि 12 बजे तक इसी अवस्था में ढकी हुई रहेगी। रात्रि के 12 बजे के समय अब इस प्रकार से हम घंटी शंख का नाद करेंगे यानी कि जो शुभ ध्वनि होती है
उसको बजाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो हम घंटी का नाद करेंगे, शंख का नाद करेंगे और उसके बाद कान्हा जी के ऊपर ये जो वस्त्र हमने डाला है इसको हटा लेंगे। जो जितने भी हमने इसके ऊपर फूल लगाए हुए हैं, कान्हा जी को ढक कर रखा हुआ है, उसे भी धीरे धीरे हटा लेंगे, क्योंकि कान्हा जी का भी जन्म हुआ है। कान्हा जी हमारे बहुत ही छोटे हैं, लड्डू गोपाल जो हैं बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, तो हम उन्हें प्यार से सहलाएंगे। इस प्रकार से अभी तो इनका जन्म ही हुआ है, बहुत ही प्यार से सहलाएंगे, मन में भाव रखेंगे और मन ही मन जाप भी करते रहेंगे। अब जो ये खीरे हैं, तो एक खीरे को हम अब बढ़ा लेंगे, इसे काटना नहीं कहते हैं, इसे बढ़ाना कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस सिक्के की मदद से ही जो है इसे बढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्यार से ही बनाएंगे और बढ़ाने के बाद क्या करना है, खीरे का प्रसाद जो है ना वो बांट लिया जाता है, सभी को बांटा जाता है, इसे ग्रहण किया जाता है। और खीरे का जो ये ऊपर वाला ये हिस्सा है जो हमने निकाला है, इसे मिट्टी में दबा देना होता है। कहा जाता है इसे बिल्कुल उसी प्रकार माना जाता है जिस प्रकार नए बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो नाल होती है उसे मिट्टी में या फिर कहीं भी दबा दिया जाता है। अब कान्हा जी को सबसे पहले हम तुलसी जी, जो मैया तुलसी होती है, उनके पौधे के नीचे रखेंगे और जो पात्र में हमने कान्हा जी के पास जल रखा है जिसमें तुलसी दल था, उससे स्नान कराएंगे। स्नान कराते वक्त आपको मन ही मन जाप करते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, या फिर आप उसके बदले इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे हरे, हे गोविंद हरे हरे। इस प्रकार से जो भी मंत्र, मन का भाव जो होता है ना वह सच्चा होना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर से हम जल को डालेंगे, जल की ये जो तुलसी जी के ऊपर से, तुलसी जी की मंजरियों पत्तों के ऊपर से जो जल की बूंदी गिरती है और ये कान्हा जी पे जो आती है इनके बूंदी, कहा जाता है कान्हा जी इसी से मात्र तृप्त हो जाते हैं। एक भक्त को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कन्हैया जी मात्र इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों से वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इस प्रकार से कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। अब इसके बाद हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि यदि किसी भी तरह से आप कान्हा जी का जन्म ना करा पाए तो क्या पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों, यह सभी चीजें जो भी होती हैं सब आपकी भावना से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले इस बात को तो समझ लें आप, यदि आपके मन में भाव है कि आप कान्हा जी का जन्म कराना चाहते हैं, तो उस प्रकार के भाव से ही कान्हा जी तृप्त हो जाते हैं। और यदि सच्ची तृप्ति के लिए आपकी लगन है तो कान्हा जी उस तरह की व्यवस्था भी करा देते हैं जिससे आप जो है कान्हा जी का जन्म करा पाएं। लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से यदि आप जन्म ना भी करा पाएं तो भी मन में किसी भी बात को लेकर के चिंता या मलिनता रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृंदावन हो या फिर खाटू श्याम हो या फिर मथुरा, जहाँ भी आप चले जाएं कान्हा जी का जन्म करा दिया जाता है। हम जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं सब सूक्ष्म रूप से करते हैं, बाकी विधि विधान तो सब ऊपर और परमात्मा की देन होती है। इसलिए यदि आप कान्हा जी का जन्म ना करा पाए तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित में ना रहें। अब इसके बाद यदि लड्डू गोपाल ना हो तो क्या उनका जन्म नहीं कराया जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, उसके बाद भी आप उसका जन्म करा सकते हैं। इसकी कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि आप चाहें तो खीरे में हल्का सा चीरा लगाकर, सिक्के की मदद से ही चीरा लगाया जाता है और उसमें काले चने को डाला जाता है। चने जब फूल जाते हैं तो रात्रि में अपने आप ही वो फटते हैं, जिससे माना जाता है कि कान्हा जी ने जन्म लिया है। इसके अलावा यदि आपके घर में शालिग्राम की मूर्ति है तो उसे भी आप इसी प्रोसेस में करके उसका भी जन्म करा सकते हैं। भगवान तो फाइनली आपके भाव को देखते हैं, तो इस प्रकार से आप जन्म की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं यदि किसी भी कारणवश आप लड्डू गोपाल का जन्म ना करा पाए या फिर आपके घर में सूतक पातक या फिर प्रेयर्स का समय आ गया हो तो ऐसे में कैसे कराना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे में आपके घर में अन्य जो भी सदस्य हैं उनसे सारी प्रक्रिया को आप पूर्ण करा सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई सदस्य ना हो तो आस पड़ोस में जो भी सदस्य मौजूद हों
उनसे भी आप यह प्रक्रिया बोलकर करवा सकते हैं। यह तो बहुत ही पुण्य का काम है, यदि किसी को यह कार्य करने को मिल जाए तो इससे ज्यादा तो उत्तम माना ही नहीं जाता है। कहा जाता है यदि किसी भी कारणवश उतक पातक लग जाए और आपकी इच्छा है जन्म कराने की, तो जिस भी व्यक्ति से आपने जन्म कराया है उस व्यक्ति के भाग्य खुलते हैं। आपको तो पुण्य मिलता ही है, साथ ही उस व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।